स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आईवी मैथ क्लास सेकेंड लेसन नाइन। टुडे आई स्टार्ट प्रैक्टिस 9B। इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं शुरू करता हूँ। आकृति वॉक फॉर 320 शेविंग मीटर इन द मॉर्निंग। आकृति 320 शेविंग मीटर मॉर्निंग को चलती है और 299 मीटर इवनिंग को चलती है। तो हाउ मच डी शी वॉक इन ऑल, वह कुल कितना मॉर्निंग और इवनिंग को चलती है। तो यहां स्टेप लिखते हैं। आकृति वॉक्ड इन मॉर्निंग। आकृति वॉक्ड इन इवनिंग। सी वॉक इन टोटल मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग कितना चलती है 327, इवनिंग को 299। टोटल निकालना है तो प्लस करेंगे 9 7 16 का 6 कैरी वन, 9 3 12 का 2 कैरी वन, 3 2 5 1 6। तो कुल 626 मीटर सुबह शाम में चलती है। ये तो आपका ए वाला क्वेश्चन। अब आता है बी वाला। वेल डिड सी वॉक मोर एंड व्हाई, हाउ मच, वह सुबह ज्यादा चलती है या शाम को और कितना ज्यादा चलती है। तो आपको मालूम है मॉर्निंग को 320 शेविंग ज्यादा चलती है। अब कितना ज्यादा चलती है तो वो निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। सी वॉक इन मॉर्निंग। सी वॉक इन इवनिंग। How much more walk? तो 320 शेविंग में से 299 माइनस कर देंगे, कैरी या 17 में से 9 कम किया 8, यहाँ रह गया 11 9 2, यहाँ रह गया 2 में से 2 गया 0। इस तरह से 28 मीटर वह सुबह ज्यादा चलती है। शी वॉक मोर इन मॉर्निंग। वह 28 मीटर सुबह को ज्यादा चलती है। अब आता है क्वेश्चन 2 सॉल्व। क्वेश्चन 2 में क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड दैट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डोसा इज अबाउट 70 मीटर। एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में डोसा की लंबाई
70 मीटर रिकॉर्ड की गई। 10 फ्रेंड टुक द चैलेंज टू फिनिश डोसा व्हाट, 10 फ्रेंड ने उस डोसा को फिनिश करने का चैलेंज किया। दे कुड ईट ओनली 9 मीटर, केवल उन्होंने 9 मीटर ही डोसा खा पाया। सो दे आस्क्ड द पैक द रेस्ट, बचा हुआ डोसा उन्होंने पैक करने के लिए बोला। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ डोसा दैट वाज पैक, तो कितना लंबा डोसा उन्होंने पैक कराया, दिखते हैं। तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ पुली डोसा 17 मीटर, 10 फ्रेंड्स एट डोसा 9 मीटर, लेंथ ऑफ डोसा लेफ्ट 79.8 मीटर। डोसा जो बचा वो उन्होंने घर के लिए पैक करा लिया। इस तरह से क्वेश्चन 2 सॉल्व होता है। और क्वेश्चन 3 कैसे हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक सेंटर दिया है जिम, उससे अलग अलग लोगों के घर की डिस्टेंस दी है। पहला जो हाउस डिस्टेंस है रोहन्स हाउस 275 मीटर, दूसरा है प्रियंकाज हाउस 200 मीटर, तीसरा है गीताज हाउस 350 मीटर, फोर्थ है मीनाज हाउस 500 मीटर। उसी बेस पर क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका वेंट टू जिम फ्रॉम होम एंड देन वॉक बैक होम। प्रियंका घर से जिम जाती है और जिम से घर आती है, तो वह कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू जिम, घर से जिम की दूरी, घर से जिम की दूरी प्रियंका के कितनी है 200 मीटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम जिम टू हाउस, अब जिम से वह घर आती है तो कितना कवर करती है, आल्सो 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रियंका कवर्ड टोटल डिस्टेंस अर्थात 400 मीटर। बी वाला, हाउ फार इज रोहन्स हाउस फ्रॉम गीताज हाउस, रोहन्स के घर से गीता के घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है।
तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम रोहन्स हाउस, डिस्टेंस ऑफ रोहन हाउस रोहन के घर की जो दूरी है वो 275 मीटर टू जिम, क्योंकि जिम मेन सेंटर प्लेस है तो 275 मीटर रोहन के घर की दूरी है जिम तक, और वह जिम से गीता के घर जाता है, डिस्टेंस ऑफ जिम टू गीता हाउस 350 मीटर, तो कुल डिस्टेंस रोहन कवर्स टोटल डिस्टेंस रोहन कवर, रोहन ने कुल कितनी दूरी कवर की, तो इसमें निकालते हैं 505 75 12 का 2 कैरी 1 3 2 5 1 625 मीटर रोहन ने गीता के घर तक डिस्टेंस कवर की। इसी तरह से प्रॉब्लम सी, हाउ मच डिड गीता वॉक टू गो टू जिम, गीता अपने घर से जिम तक गई तो उसने कितनी दूरी कवर की, गीता कवर डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस टू जिम, तो कुल डिस्टेंस है 350 मीटर और यही दूरी उसने कुल कवर की। इसी तरह से सी डी प्रॉब्लम, रोहन वेंट टू जिम एंड देन गीताज हाउस, सबसे पहले रोहन जिम से जिम गया और जिम से गीता के हाउस गया, तो लिखते हैं रोहन कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम जिम टू गीता हाउस, जिम टू गीता हाउस अर्थात पहले रोहन जिम गया तो रोहन के घर से जिम तक की डिस्टेंस है 275 मीटर, फिर जिम से गीता के घर गया तो गीता के घर तक जिम से गीता के घर की दूरी है 350 मीटर। इस तरह से कुल डिस्टेंस हुई 625। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया
5 0 5 7 5 12 का 2 3 2 5 1 6। दूसरा स्टेप, गीता वेंट टू प्रियंकास हाउस, गीता वेंट टू प्रियंकास हाउस, अर्थात गीता पहले जिम जाएगी, तो गीता के घर की जो डिस्टेंस है वो है 350 मीटर और जिम से वो है प्रियंका के घर जाएगी, तो ये डिस्टेंस है 200 मीटर। और यदि हम दोनों को टोटल कर देंगे तो आएगी 550 0 0 5 5 3 2 5 मीट। ये दोनों 550 और 625 किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की निकालेंगे, ये डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर की, तो इसको देखते हैं किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन, रोहन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कुल 625 और डिस्टेंस कवर्ड बाय गीता, गीता ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, 550। तो कितनी ज्यादा रोहन ने डिस्टेंस कवर की, रोहन कवर डिस्टेंस निकालते हैं, 5 में से 0 गया 5 2 में से 5, तो 75 मीटर डिस्टेंस रोहन ने गीता की तुलना में ज्यादा तय की। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस 9 भी यहीं पर समाप्त होती है और आप इसको नोटबुक पर सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे चेक करने के लिए। थैंक यू।